भाभी जी घर पर हैं। अरे आइए आइए तिवारी जी, बैठिए। एंड सॉरी फॉर द पास्ट, एक्चुअली मैं उस समय ना किसी और ही मूड में थी। मैं चाहती नहीं थी कि मेरे आसपास जरा से भी नेगेटिविटी हो, सब पॉजिटिव माहौल चाहती थी। तिवारी जी, पानी अपना सर से ऊपर जा चुका है। इसमें तो वाकई कोई शक नहीं भाभी जी। अरे शक नहीं है तो कुछ करना भी तो पड़ेगा ना इसके लिए, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते इनको। क्या करने पड़ेगा गोरी मैम, हमें बताओ, तुम सर को तो ना। अरे दादा, आप बेवक्त मुंडी घुसेड़ने काहे चले आए? जो हमसे सवाल ना पूछो, जो सवाल तुम गोरी मैम से पूछो। अरे चले आए आप बेवक्त, तो आप ही से पूछेंगे ना, उनसे काहे पूछे। जो आदमी हमें सुन, तुमसे जब हम कह रहे कि अगर हमसे मत पूछो ना तुम, हम दूसरे मूड में हैं अबे, तुम सब जो गोरी मैम से पूछो ना। अरे तो आपके मुंह गले में हड्डी अटकी हुई है। तुम्हारे मुंह में सतल हड्डी अटकी है, हड्डा अटको है, तुम्हारे अड्डा पे तो नहीं आई ना, गोरी मैम के अड्डा पे तुम्हारे खोखा में खड़ेगा। अरे खोखा, तुम्हारे धंधे पानी में टांगा। धंधे पानी की बात मत करना, आपकी तरह नछावर खा के धंधा स्थापित नहीं किया है। अड्डा 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 नहीं जमाते आपकी तरह, समझे ना, अड्डा अड्डा कर रहे हैं हम। सारे ज्यादा अड्डा अड्डा और उंगलिये दिखाओगे तुम्हारे सारे छेठे मुंह में हम गड्ढा कर देंगे। शांत हो गो, अब तू ना करे जो गोरी में माँ बोले जो कहने। हप्पू सिंह जी आप शांत हो जाइए पहले। शांत, बंद करो ढक्कन। हम तो शांत कर रहे, तू बहुत गरीब कर रहे हो। आप मेरे हस्बैंड को फौरन अरेस्ट कीजिए। नहीं मतलब ताई गोरी में ऐसे कैसे अरेस्ट करो, कौन से जुर्म में? भीख मांगने के जुर्म में, और साथ में अंगूरी भी है, उसने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रखी हैं, उसे भीख मांगने के जुर्म में गिरफ्तार करो। गोरी में भीख मांग रहे? हाँ नहीं लेकिन समझ गए, गोरी में भीख मांगने के जुर्म में अरेस्ट करें, जो हम बात समझे नहीं। आप करिए ना बस। नहीं लेकिन भीख तो दुनिया भर में आप अबे सवेरे सवेरे निकल जाए, सारे सिग्नल पे 36 लौंडा लपाड़ी भीख मांगते दिखते हैं। हप्पू सिंह जी, मैंने आपको ना यहाँ फालतू की फिलॉसफी सुनाने को नहीं बुलाया है, आप बस उनको अरेस्ट कीजिए। हम जो कह रहे हैं कि देखो जी घरेलू मुद्दा है, हमारे घर में 36 अम्मा और अज्जू की आपस में मस्ती रहती, हम नहीं पढ़ते। अब भैया बेबूती और आपको जो रोज को है कचू ना कचू राय तो वो फैलाते ही रहते हैं। घर के मामले में आप खुद ने पढ़ लो, हमें ना घुसाओ में। अरे लेकिन हप्पू सिंह, लेकिन बेकिन कचुनी गोरी में सौ की सीधी बात है, बढ़िया तरीका बता रहे। वो सक्सेना है ना, वाने घर वापसी सेंटर खोलो है, तो ऐसा करो कि फिर भैया विभूति को भी भेज दो होते, और तुम भाभी अंगूरी को भेज दो, तो भैया विभूति और भाभी अंगूरी आपस में एक दूसरे को देख लेंगे। अरे मतलब होते जब पहुंचेंगे तो सक्सेना उन्हें देख लेगा, उनको ट्रीटमेंट कर देगा, नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, बढ़िया चकाचक खुश, प्रॉब्लम सॉल्व। गोरी में बड़ी थकी थकी आई मंत्री जी को काम छोड़ के, कही अदरक वाली चाय मिल जाएगी का? दूध नहीं है। सुनी तुमने, दूध लेके आओ तो ना, नुक्कड़ पे मिलती चाय वहां पी लो। तुम आओ जो मुंह चल रहा हो ना, खैर छोड़ो तो गोरी में बाय। ट्विंकल ट्विंकल लूट लो स्टार, गिव मी 500 ओ मेरे यार, व्हेन द बर्निंग सन इज सेट, मुंबई में हो तुम्हारे चार पांच फ्लैट। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। देन शो मी अ लिटिल लाइट, ये तो मेरी भाभी माँ। गिव मी 500 जेब है टाइट, जेब है टाइट, जेब है टाइट। मेरी भाभी माँ ठीक मांग रही। थैंक यू भाभी माँ। मेरी भाभी माँ को भीख देने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? रुक जाइए, हमरा आ गया है, हमरा आ गया है, रुकिए। हाय दिया, कहाँ है, कहाँ किए हैं आप? यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ भाभी माँ, आपने ये क्या किया, क्या कर रही है आप? भीख मांग रहे हैं और का? भाभी माँ भीख मांगना पाप होता है, पाप। आपकी जैसी लक्ष्मी समान माँ अगर भीख मांगेगी तो बाकी लोगों का क्या होगा भाई माँ? दिया हमरे बिटुआ बहुत बोले आप, आपको कौन बोल दिया कि भीख मांगना पाप है? ये तो बहुत ही अच्छा बात है भाई माँ, जरा अपने इस अज्ञानी बेटे को ज्ञान दीजिए कि कैसे भीख मांगना अच्छी बात है। देखिए
देखा है ना, जब आप कोनो बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, तो हमें बेमानी होता है। हमको एक तो बात बताइए, भीख मांगने में का कोनो बेमानी है? आप किसी के साथ बेमानी कर रहे हैं का? ना ही ना, हम तो केवल भीख ही मांग रहे हैं, ना किसी को धोखा दे रहे हैं, ना चोरी कर रहे हैं, ना डाका डाल रहे हैं, ना बेमानी कर रहे हैं, और हम तो जो है अपना पेटेंट दिखा कर भीख मांग रहे हैं। भाई माँ, पेटेंट तो आपका होना चाहिए, बिकॉज यू आर वन ऑफ अ काइंड। वैसे आप टैलेंट कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। कहा है कि हम कविता सुनाकर बहुत ही प्यार से भीख मांग रहे हैं, उनमें का बुराई है बताइए? हम तो बोलते हैं आप भी भीख मांगिए, बहुत अच्छा बात है। तिवारी जी, जी मुझे तो लगता है ना कि अब सक्सेना जी ही हमारी आखिरी उम्मीद है। जी भाभी जी, हमें भी ऐसा ही लगता है। सक्सेना जी ने जो ये घर वापसी की मुहिम चलाई है ना, इससे हमें जबरदस्त फायदा होने वाला है। अरे बस विभु वापस आ जाए, यही फायदा हो जाए अभी तो। भाभी जी, अंगूरी भी तो वापस आ जाए। अरे हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, अंगूरी जी और विभु दोनों ही घर वापस आ जाए जी। और वो घर वापसी सक्सेना जी करवाएंगे। ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा। कैसा बदतमीज आदमी है, इतना जवान हट्टा कट्टा होके सक्सेना जी के घर के बाहर भीख मांग रहा है। छोड़िए ना भाभी जी, हमें हमारी समस्या का निवारण करना है। हाँ, आइए। हो गया। अरे सक्सेना जी के घर पे तो ताला लगा हुआ है, कहाँ गए होंगे? गए होंगे किसी एनाकोंडा के मुंह में अपनी मुंडी घुसेड़ने। एनाकोंडा के मुंह में मुंडी, आई लाइक इट। सक्सेना जी? अरे तिवारी भैया प्रणाम। भाई माँ चरण स्पर्श। रात तो वो घर वापसी के लिए गए थे ना। अरे भैया अब मेरे विचार बदल गए हैं भैया, नाउ आई एम एंजॉयिंग भैया। चिलचिलाती धूप में गरम रेत पर लेट कर भीख मांगने में जो मजा आता है भैया, आई लाइक इट। आपने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, आप हमारी आखिरी उम्मीद थे, आप ही ने दम तोड़ दिया। अरे भैया मैंने दम तोड़ा नहीं है, असल में दम तो अब जुड़ गया है। भैया भीख मांगना बुरी बात नहीं होती, भीख मांगना एक आर्ट है, एक साइंस है, एक कॉमर्स है। आई लाइक इट। तिवारी बाबा, ऊपर वाले के नाम पे 1,00,000 रुपया दे दे बाबा, 1,00,000 रुपया दे दे। 1,00,000 नहीं, 1,00,000। आई लाइक इट। भाभी जी बड़ी टेंशन में। मैं पूछती हूँ, ये जो रिहैब सेंटर गवर्नमेंट ने सक्सेना जी को चलाने को दिया, ये किस आधार पर दिया है? मतलब ऐसा क्या देख लिया उन्होंने सक्सेना जी पे? भाभी जी क्या है कि सक्सेना की जो जान पहचान है ना, वो बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों में है। आप भूल रहे हैं सक्सेना जी एक सर्टिफाइड पगलेट है, ये बात उन्होंने जस्ट अभी प्रूव कर दी है। ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। इनको अंडरवर्ल्ड से धमकी उनके दिलवाएं क्या? भाभी जी क्या बात कर रही हैं आप, भिकारी किसी से नहीं डरता, भिकारियों को सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है भाभी जी। किस चीज से? वो ये कि कहीं उनको भीख मिलनी बंद ना हो जाए, क्योंकि अगर उनको भीख मिलनी बंद हो जाएगी ना तो वो घबरा जाता है भाभी जी, उनका आत्मविश्वास डोल जाता है कि उनका धंधा चौपट ना हो जाए। आपने भिखारियों पे काफी स्टडी की है लगता है। भाभी जी दरअसल
हमने आपको आज तक बताया नहीं, बचपन में हमें एक भिखारी ने अगवा कर लिया था और 6 महीने तक हमसे भीख मंगवाई। Oh my God, फिर आप कैसे छूटे उसकी कैद से? वो क्या था कि उसने हमें प्रयागराज के मेले से अगवा किया था। कुंभ के मेले से? जी जी जी, लेकिन वो तो उसकी किस्मत खराब थी कि बाय डिफॉल्ट वो भीख मांगता मांगता हमारे घर के दरवाजे पर आ गया और ब्रह्मा ने जो उसकी हालत की होगी ये तो आप समझ ही सकती हैं। अम्मा जी ने तो उसको मार ही दिया होगा। नहीं नहीं, हमारे खेतों में आज भी बंधुआ मजदूर है। आपकी स्टोरी तो काफी इंटरेस्टिंग है तिवारी जी, लेकिन ये जो विभू और अंगूरी जी की भिखारी वाली स्टोरी चल रही है, इसको कैसे दी एंड लगाएं? भाभी जी, हमारा तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया है, आप ही अपने चतुर मस्तिष्क से कोई विचित्र आइडिया बताइए। आइडिया तो है और काफी विचित्र भी है। क्या आइडिया? एक्चुअली यू आर राइट, मेरे भाभी जी के एफर्ट से हमारी जो बी कंपनी है ये छाने की तैयारियां कर रही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। जी सर, हर युवा हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, युवा में होड़ लगी हुई है, हर युवा डिग्री लेके हमारी कंपनी से संपर्क करता है। वो दिन दूर नहीं जब हमारी कंपनी से यानी कि हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकले हुए युवा वर्ल्ड के कोने कोने में भीख मांगते दिखाई देंगे आपको। एंड बाय द वे, दिस इज नॉट जस्ट बेगिंग, इट्स एन आर्ट, इट्स कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स। या सो मैं क्या कह रहा था आपसे कि वो उससे बात करके अरे यार ये तो वही है। हाँ बे, कॉर्पोरेट बैगर। हाँ यार, वो उनके साथ जो भाभी जी थी वो नहीं दिख रही। चल चल पूछते। चल 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 चल। जूस में सर? आई विल कॉल यू बैक। जी बोलिए। वो हमें भाभी जी को भीख देनी है। आई एम सॉरी, उनके वर्किंग आवर्स हैं सवेरे 11 बजे से शाम को 6 बजे तक, सो शी इज ऑफ ड्यूटी नाउ। आप कल 11 बजे आइए प्लीज सर। दुर्रा प्रेम नगर से हम लोग आए हैं खास भाभी जी को भीख देने के लिए। आप लोग इतनी दूर से आए हैं और प्रेम नगर से आए हैं और इतने प्रेम से आए हैं तो मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा आपको। लेट मी ट्राई, देख कोशिश करता हूं। आइए। रात को काय छेड़ रहे हैं? आप भाभी जी नहीं जो छेड़ेंगे आप? है? क्या कहा आपने? भाभी जी से मिलने उनके कुछ फैंस आए हैं, उन्हें मिलना चाहते हैं। जी हम उन्हें कुछ भीख देने आए हैं। दे? इतनी रात को भीख देने आए? सो रही हैं वो, तो जगा दीजिए ना अंकल। देख रहे हो भाभी जी की भीख की कमाई खा खा के कैसे फूल रहा है। क्या बोल रहा लौंडा? सही बोल रहा गलत नहीं बोल रहा? क्या सही बोल रहा? क्या हुआ किस पिक्चर? हेलो भरभूती जी, आप? जी भाभी जी, कुछ फैंस मिलने आए आपसे और ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपके मुंह से वो पोएट्री सुनेंगे तभी भीख देंगे। हाँ हाँ, काहे नहीं, हम तो अपने फाइन का बहुत ही ध्यान रखते हैं। और ये फाइन तो इन पे लगना चाहिए, बदतमीजी का फाइन। मतलब आप फैन कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या आप यही सुनाओगी? काहे नहीं, हाँ हमारे फैन आए हैं, शुरू तो होना ही पड़ेगा। जी? नहीं भाभी जी। ट्विंकल ट्विंकल लूट लो स्टार, 500 गिव मी ओ यार। अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, खुश रहे तुम्हारे बाप और माए। व्हेन द बर्निंग सन इज सेट, मुंबई में हो तोहरे 4-5 फ्लैट। Then you show your little light, give me some money, jeb hai tight, jeb hai tight, jeb hai tight. Hey, hey! Thank you. Thank you. Abhi ji, iska hisab kal karenge. 1.5 lakh rupaye hain, 1.5 lakh. Hello.
भाई भाई बाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम नॉट अ बॉर्न बेगर, द सर्कमस्टेंसेस हैव मेड मी अ बेगर। आई हैव गिवन 20 इयर्स ऑफ माय लाइफ टू अचीव दीज डिग्रीज एंड डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट्स फॉर व्हाट टू आई एम स्टडिंग ऑन द स्ट्रीट होपलेस एंड जॉबलेस। बट आई हैव टू सपोर्ट माय फैमिली, आई हैव टू मेंटेन सर्टेन लाइफस्टाइल एंड फॉर दैट आई नीड मनी, आई नीड लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी। फॉर दैट I have two options, beg or borrow. So I think begging is a better option. Please help me, please help me, please help me, please help me. 500, come on, come on, come on, come on, everybody. Thank you, thank you, thank you, thank you. Madam, aap bhi dijiye kuch. Oh, lovely, 500 bucks. Thank you very much, thank you very much. Shukriya bahut bahut. Aap shuru ho jaiye, aap shuru ho jaiye. Our dear friends, Anguri got talent. Yeah, she's got talent. A twinkle, twinkle, little star, give me 500, oh, mere yaar. Up above the world so high, khush rahe tohre baap aur maai. A thanku, when the burning sun is set, Mumbai mein ho tumre. Give me 500, oh, mere yaar. Up above the world so high, khush rahe tohre baap aur maai. When the burning sun is set, Mumbai mein ho tumre char paanch. Star, give me 500, oh, mere yaar. Up above the world so high, khush rahe tohre baap aur maai. When the burning sun is set, Mumbai, Delhi mein ho tumre char paanch flat. अनु, ये सब क्या है? क्या क्या है? ये तुम बाजार में खड़े होके नाच गा के भीख मांग रही हो? तो भिखारी बाजार में तो भीख मांगेंगे ना, घर पे थोड़े ना। अरे लेकिन हम पूछ रहे हैं कि आपको का जरूरत आ गया था भीख मांगने का? और हम तुमसे पूछते हैं कि तुमको भीख मांगने की जरूरत कहां पड़ी? हम तो आपकी इज्जत का धज्जिया उड़ाना चाह रहे थे, आप काहे भीख मांग रहे हैं? चड्ढा के ऑफिस में क्या हुआ था? इज्जत का तुम्हें एहसास हो जाएगा ना तो तुम इस तरह के सवाल नहीं पूछोगी मुझसे। क्या हुआ था उस चड्ढा के ऑफिस में? उसने मेरी घनघोर बेइज्जती की थी, अपने वॉचमैन से उठवा के मुझे ऑफिस से बाहर फेंकवा दिया था, वो भी तपती दोपहरी में, और तुमने इतनी सी बात के लिए अम्मा से शिकायत कर दी है? हमको बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, काय ना करते। अनु, गुस्सा सिर्फ तुम्हें नहीं आता है, सबको आता है। तो गुस्सा आएगा तो तुम भीख मांगोगे? तुम्हें तो भीख मांग रही थी गुस्से में। वो तो मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए भीख मांग रही थी। हम भी तुम्हें एहसास दिलाना चाहते थे कि कितना दुख होता है जब किसी अपने को भीख मांगते हुए देखते हैं।
हमको एहसास हुई गवाह है ये बात का। ठीक है, अगर एहसास हो गया है तो वादा करो कि आज के बाद तुम कभी भीख नहीं मांगोगी। ठीक बा, आप भी वादा कीजिए कि आप भी भीख ना ही मांगेंगे। ठीक है, हम भी वादा करते हैं कि हम भी कभी भीख नहीं मांगेंगे। I hate tires. What tier होता है बगली? ऐसे ही पकड़े हैं। Anu, you have no idea. This beggar world is like a corporate world. Fine. तो मैं भी भीख मांगती हूँ ना तुम्हारे इस corporate world में। ये designer साड़ी पहन के। Anu, तुम भीख नहीं मांगोगी, no matter what. तो विभू, तुम भी भीख नहीं मांगोगे, no matter what. ठीक है, मैं भी भीख नहीं मांगूंगा। Promise? Promise.